स्वागत है मेरे चैनल सिविल वॉर 2.0 के अंदर फ्रेश एपिसोड में। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप, अगर ठेकेदारी आपका नहीं चल रहा है तो आपका इनकम सोर्स क्या क्या हो सकते हैं और आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मान के चलिए कि आपका ठेकेदारी नहीं चल रहा है और आप किसी अपने किसी 2020 में मान के चलिए आपने 5 काम किया है, मान के आप चलिए मान लिया आपने 5 काम किया है, 25-25 या मतलब उससे बड़े बड़े टेंडर किया, 50 लाख प्लस के काम कर लिए हैं आपने, 5 काम कर लिए हैं, किसी भी करके आपने 5 काम कर लिए हैं, तो आपका अगर इनकम सोर्स अगले साल आपको एक भी टेंडर नहीं मिला, ख़राब किस्मत के कारण की वजह से आपको एक काम भी नहीं मिल रहा है, तो ये हो सकता है कि देखिए दोस्तों, आपको पाँच काम का एक काम का आपको मिलता है मेंटेनेंस कॉस्ट, मान के चलिए साल में अगर आपको 2.5 लाख रुपये मिल रहा है, या मान के चलिए साल में आपको चलते हैं 1 लाख या 50 हज़ार रुपये में मिल रहा है, तो 50 हज़ार मान के चलते हैं कि एक साल में आपको मिलता है, तो 5 काम से आपको 50 हज़ार 2.5 लाख रुपया सालाना मिलता है, ये एक का हो गया। जबकि मान के चलिए आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, तब ये 2.5 लाख रुपये काफ़ी आपको मदद करेगा 5 काम से। मान के चलिए आपने ऐसे 10 काम कर लिया है एक साल में कर दिया है, तो आपका वही 5 लाख रुपया हो जाएगा मंथ, सालाना 5 लाख रुपया आ जाएगा, जो आपको काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप ठेकेदारी चलाने के अलावा ठेकेदारी करने के बाद आपके पास समय काफ़ी बचता भी है, समय तो उस समय को आप किसी किराना दुकान स्टोर खोल सकते हैं, या आप कोई और स्टोर खोल सकते हैं जिसमें आपका रुचि हो, उस काम को कर सकते हैं जिससे आपको अदर इनकम सोर्स बने। और आप इसके अलावा आप ज़मीन खरीद बिक्री भी कर सकते हैं, इसमें भी दोस्तों आपसे काफ़ी स्कोप है और इसमें काफ़ी पैसा है, और बहुत से लोग जो है इसमें अब ऐसे आदमी बन गए हैं, तो इसमें भी आप आजमा सकते हैं। दोस्तों बालू का ठेका भी निकलता है, और बालू का ठेका जो निकलता है तो आप जब भी उसमें टेंडर में, अगर आपके पास कैपेसिटी है पैसा लेने का, तो आप पैसा उसमें कर लीजिए, पार्टिसिपेट कर लीजिए, और अगर नहीं है तो जो ठेकेदार उसमें भाग लेते हैं, आप उनसे वो एक ही बार में लेते हैं, तो उनका कोई भी आप एक जाके घाट, उनसे एक घाट का डिमांड कर सकते हैं कि एक घाट हमें दे दीजिए उस पेटी पे, और पेटी पे काम लेने के बाद उसे कर सकते हैं। दोस्तों इसमें भी आपको अच्छा खासा बचत होता है, और जो भी ठेकेदार रहते हैं जब वो घाट लेते हैं तो एक बार में बहुत सारा जब लेते हैं बिल, तो वो बाट ही देते हैं। और अगर आप शुरुआत में आप नए हैं बालू के घाट में भी, तो उसमें भी जाके आप किसी के साथ शुरुआत में पार्टनरशिप कर सकते हैं, जब जान जाइएगा तो आप उसके बाद आराम से जा करके वो काम को कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मछली पालन का भी टेंडर बहुत सारा निकलता है, एक बार में बहुत सारा पोखरा मिलते हैं, उसको भी सीख सकते हैं, उसको भी कैसे ब्रीडिंग किया जाता है, उसको तो गांव के लोग भी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से कारण हैं जिसमें आप डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मछली पालन से लेकर मिलिट्री तक का। और अगर मिलिट्री में है, आप मिलिट्री में आपका ख्वाहिश था और आप नहीं उसमें घुस पाए मिलिट्री में, तो आप उसमें ठेकेदार बन के घुस सकते हैं दोस्तों, और ठेकेदार का भी काफ़ी इज्जत होता है और काफ़ी रुतबा होता है मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर का, तो आप जाके इसमें भी भाग ले सकते हैं और इस तरह आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए, आपको ठेकेदारी करने के बाद बिल्ड कैपेसिटी अच्छा खासा आपका बढ़ जाएगा, मान के चलिए आपने कोई छोटा मोटा काम ही किया, और आप जब उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा और बिल्ड कैपेसिटी बढ़ जाए, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में भाग ले सकते हैं। मान के चलिए आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं जिसमें आपको ना प्रॉफिट और ना लॉस है, तो कम से कम आपको ये मान के चलिए कि आपको एक्सपीरियंस मिला, और एक्सपीरियंस कभी कभी ऐसा टेंडर निकलता है जिसमें जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उस टेंडर से ही दिया जाता है, या टेंडर उसे दे दिया जाता है जिसमें देखा जाता है कि इसने ऐसा ऐसा काम किया है, ऐसा ऐसा सिचुएशन में काम संभाला है, तो उनको वो काम दे दिया जाता है, तो आप भी ऐसा काम करके आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।